ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट कि लास्ट के एक साल में कितना मुझे रेवेन्यू आया. तो लास्ट के एक साल में जो मेरे को टोटल रेवेन्यू आया है दैट इज अराउंड व्हाट्सअप गाइस, आज की इस वीडियो में बात करेंगे कि YouTube से कितनी अर्निंग होती है मुझे. आपको एक्चुअल नंबर दिखाऊंगा, हवा में बात नहीं करूंगा. YouTube स्टूडियो का स्क्रीनशॉट्स दिखाऊंगा कि पूरे साल में कितना पैसा मिला और लास्ट के कुछ महीनों में तो भाई साहब तबाही मच गई. सो फिलहाल मेरे 55,000 यानी 55,000 सब्सक्राइबर्स हैं. सो दिस विल गिव यू एन आइडिया कि अगर आप अपना चैनल स्टार्ट करने की सोच रहे हो या अगर आप जस्ट क्यूरियस हो कि इतने सब्सक्राइबर्स पे आपको कितना पैसा मिल सकता है यूट्यूब से. अब यार आपको एक्चुअल नंबर्स दिखाऊंगा, बट जस्ट टू गिव यू एन आइडिया, दिसंबर 2020 जो था ना उसमें मेरे को सेकेंड लार्जेस्ट चेक मिला था यूट्यूब से. एंड यूजिंग दैट सेकेंड लार्जेस्ट चेक आई बॉट द लार्जेस्ट मॉनिटर इन द वर्ल्ड, विच वॉज अ 49-inch सुपर अल्ट्रा वाइड QLED WQHD resolution monitor. और उसके बाद भी मेरे पास पैसे बच गए थे. And I used that money to buy an iPad for my father, क्योंकि उस टाइम वो क्वारंटीन में थे. पर इससे पहले कि मैं आपको बताऊं कि मुझे कितने पैसे मिले थे, I want to tell you how does it work. Basically, पैसा आपको तब मिलता है जब आपके चैनल पे आपकी वीडियो देखने से पहले लोग एड्स देखते हैं या फिर वीडियो के दौरान जो बीच में जो एड्स आती हैं वो अगर लोग देखते हैं. और अगर आप चाहते हो कि आपके चैनल पे भी आपकी वीडियो चलने से पहले एड आए तो उसके लिए आपको YouTube पार्टनर प्रोग्राम का मेंबर बनना पड़ता है. उसके लिए आपको अप्लाई करना पड़ता है. उसकी दो मेन कंडीशंस हैं. एक कंडीशन तो यह है कि आपके एटलीस्ट 1000 सब्सक्राइबर्स होने चाहिए. दूसरी कंडीशन यह है कि आपके पिछले एक साल के अंदर 4000 घंटे का वॉच टाइम होना चाहिए. सो वो मेरे जो है आई थिंक एक या डेढ़ साल पहले हो गए थे. उसके बाद मैंने अप्लाई किया, एक या डेढ़ हफ्ते के बाद में उन्होंने वो अप्रूव कर दिया था कि नाउ यू आर मेंबर ऑफ द यूट्यूब पार्टनर प्रोग्राम. और वो जो एड्स आते हैं आपकी वीडियो से पहले उसके लिए कोई ना कोई एडवर्टाइजर यूट्यूब को पैसा देता है. एंड यूट्यूब कीप्स अराउंड 50% कट फ्रॉम दैट एड रेवेन्यू और बाकी यूट्यूब एक क्रिएटर को पास ऑन कर देता है. अब जो लोगों की एक बहुत बड़ी गलत फहमी होती है वो ये होती है कि आपको नंबर ऑफ सब्सक्राइबर्स के बेसिस पे पैसा मिलता है. ऐसा नहीं होता, नंबर ऑफ सब्सक्राइबर्स का कोई लेना देना नहीं है. लेना देना काइंड ऑफ है बट इनडायरेक्टली. डायरेक्ट इस बात से फर्क पड़ता है कि आपके कितने व्यूज थे, क्योंकि जितने ज्यादा व्यूज होंगे उतनी ज्यादा एड्स लोगों को दिखेंगी. बट सब्सक्राइबर्स का इनडायरेक्टली इससे फर्क पड़ता है क्योंकि जितने ज्यादा आपके सब्सक्राइबर्स होंगे आपके व्यूज आने के उतने ज्यादा चांसेस होंगे. जितने इंपॉर्टेंट व्यूज होते हैं, नंबर ऑफ व्यूज, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि वो नंबर ऑफ व्यूज आए कहाँ से थे, यानी किस कंट्री से आए थे. क्या आपके चैनल को इंडिया में ज्यादा लोग देखते हैं, यूएस में, कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में? क्योंकि जो एडवर्टाइजर्स हैं वो अलग अलग कंट्री में अलग अलग पैसा खर्च करते हैं, क्योंकि वहां के लोकल एडवर्टाइजर्स होते हैं या कुछ ग्लोबल एडवर्टाइजर्स हैं. अगर आपकी वीडियोस इंडिया में ज्यादा देखी जाती हैं, फॉर एग्जांपल मेरी वीडियो हिंदी में होती है, ऑब्वियसली इंडिया में ही ज्यादा देखी जाएगी या फिर इंडिया के आसपास की जो कंट्रीज हैं. और इंडिया के अंदर जो एडवर्टाइजर्स हैं वो ज्यादा पैसा खर्च करने के लिए तैयार नहीं है. इंडिया में अभी भी जो एडवर्टाइजर्स हैं दे स्पेंड अ लॉट ऑफ मनी ऑन टीवी बट दे आर नॉट स्पेंडिंग एज मच मनी ऑन द इंटरनेट ऑन यूट्यूब. एज कम्पेयर टू दैट, अगर आपकी वीडियोज यूएस, कैनेडा या और डेवलप्ड कंट्रीज में देखी जाती हैं, देन देर इज अ बिग डिफरेंस इन द अमाउंट ऑफ मनी जो कि एडवर्टाइजर्स खर्च करने के लिए तैयार हैं. और जैसे ही कंट्री ऑफ व्यू इंपॉर्टेंट है, ऐसे ही वीडियो का टॉपिक भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जिन पे एडवर्टाइजर्स जस्ट पैसा फेंकने के लिए रेडी है. फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी वीडियो फाइनेंस रिलेटेड है, क्रेडिट कार्ड, पर्सनल फाइनेंस, इन्वेस्टमेंट, तो बहुत से ऐसे बैंक्स हैं या इन्वेस्टमेंट कंपनीज हैं, उनके प्रोडक्ट्स की एड वो उन्हीं चैनल्स के ऊपर करते हैं, उन्हीं वीडियोस के ऊपर करते हैं. दे आर रेडी टू थ्रो मनी. एंड द अदर फैक्टर इज टाइम ऑफ द ईयर. फॉर एग्जाम्पल, जब मैं दिसंबर की बात कर रहा हूँ, दिसंबर जो है नॉर्थ अमेरिका में इज अ वेरी बिग शॉपिंग टाइम. उस टाइम पे कंपनीज जस्ट वॉन्ट टू स्पेंड अ लॉट ऑफ मनी, क्योंकि कंपनीज ने बहुत सारे नए प्रोडक्ट्स लॉन्च किए होते हैं और उस टाइम कंपनीज जस्ट स्पेंड अ लॉट ऑफ मनी. इससे पहले कि मैं आपको एग्जाम्पल दूं, हमारे को एक कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा जिसको बोलते हैं CPM, यानी कि 1000 व्यूज के ऊपर कंपनी कितना पैसा खर्च कर रही है या आपको कितना पैसा मिल रहा है. इंडिया में मेरे को 1000 व्यू के मिलते हैं लगभग $1. एक्चुअली मोस्ट ऑफ द टाइम में आधे ही होते हैं इससे, पर मैं आपको मैक्सिमम बता रहा हूं. अगर मेरे 1000 व्यू होते हैं, यूएस में मुझे मिलते हैं $11 से $12. ऑलराइट गाइस, तो अब बात करते हैं मेरे को एक्चुअली में कितना रेवेन्यू मिला. और सबसे पहले स्टार्ट करते हैं दिसंबर 2020 से, दुनिया के लार्जेस्ट मॉनिटर पे सेकेंड लार्जेस्ट पे चेक जो मेरे को आज तक मिला है. लेट्स स्टार्ट विद दिसंबर 2020. सो दिसंबर 2020 में जो टोटल रेवेन्यू मुझे मिला था वो था $1,710 कैनेडियन डॉलर्स, जिसकी वैल्यू मैं नीचे यहाँ पे लिख रहा हूँ
इंडियन रुपीज में इसकी कितनी वैल्यू हुई। और अब देखते हैं कि किस कंट्री से कितना रेवेन्यू आया। सबसे पहले बात करते हैं इंडिया की। टोटल इंडिया से जो रेवेन्यू था 253 कनेडियन डॉलर्स। और व्यूज कितने थे? व्यूज थे टोटल 414,000। सीपीएम वाज $1.25। नाउ लेट्स कंपेयर दैट टू यूनाइटेड स्टेट्स। यूनाइटेड स्टेट्स से टोटल व्यूज थे 41,000, दसवां हिस्सा था इंडिया के व्यूज का। बट लुक एट द रेवेन्यू, द रेवेन्यू फ्रॉम यूएस वाज $337, दसवां हिस्सा व्यूज का। और जो रेवेन्यू था वो उससे 30% एटलीस्ट ज्यादा था इंडिया के रेवेन्यू से। और यूएस का सीपीएम कितना था? 11 कैनेडियन डॉलर से भी ज्यादा। कैन यू बिलीव इट, 10 टाइम्स इंडिया के 10 टाइम्स। नाउ लेट्स टॉक अबाउट कनाडा। कनाडा से टोटल व्यूज थे 75,900। कनाडा का जो रेवेन्यू था दैट वाज $516 फॉर one month, and this was not even the best month, this was the second best month till now. Now let's look at January. January ka jo revenue tha wo December se bhi $200 zyada tha. It was at $1,917. मैं इंडियन रुपीज में कितना या नीचे लिख रहा हूँ। अब आपको यहाँ पे एक चीज देखने को मिलेगी। दिसंबर में टोटल जो व्यूज थे वो थे 800,000 और रेवेन्यू था $1,700, $1,700 800,000 पे $1,700। जनवरी में व्यूज कितने थे? जनवरी में व्यूज थे 1,400,000, यानी ऑलमोस्ट डबल। बट रेवेन्यू ऑलमोस्ट डबल नहीं था, सिर्फ $200 ही ऊपर था। उसका रीजन क्या था? दिसंबर में इंडिया से व्यू थे 400,000 और जनवरी में मैक्सिमम व्यूज इंडिया से थे। जनवरी में इंडिया से व्यू थे ऑलमोस्ट 1,000,000, 920,000 व्यूज इंडिया से थे। और इंडिया की, जैसा कि मैंने आपको बताया, सीपीएम इज लोएस्ट, दैट्स व्हाई इंडिया से जो रेवेन्यू था जनवरी में दैट वाज ओनली $433। बट उससे ज्यादा रेवेन्यू था कनाडा से $734 और कनाडा का जो रेवेन्यू था दैट वाज $7.62 इन जनवरी वर्सेस इंडिया का ओनली $1। और ये जो मैं आपको बता रहा था, जो सीपीएम होता है ये हमेशा एक जैसा नहीं रहता। जो इंडिया का सीपीएम था दैट वाज इवन लेस देन 80 सेंट्स, 70 सेंट्स, कभी कभी तो 50 सेंट्स। और जनवरी में यूएस के अंदर जो सीपीएम था दैट वाज $8.39। अगेन एज आई सेड दैट वाज जनवरी। नाउ लेट्स चेक आउट कि लास्ट के 28 डेज में, क्योंकि अभी फरवरी चल रहा है, अभी खत्म नहीं हुआ, लास्ट के 28 डेज में the revenue it is doing $1,866, $1,866. Again the story is almost the same. India ka $1, Canada ka $7.56, US ka almost $9, Australia is $9, UAE ka थोड़ा नीचे रहता है $5 से, इस समय $3 दिखा रहा है, एंड द यूके इज $5। सो नाउ द क्वेश्चन इज, नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि पिछले साल में मैंने कितना पैसा अर्न किया यूट्यूब से। पिछले साल में जो टोटल अर्निंग थी यूट्यूब से दैट वाज अराउंड $5,500। अब सुनने में बहुत अच्छा लग रहा है कि काफी सारा रेवेन्यू मेरे को जनरेट हो गया, बट द रियल ट्रूथ इज दैट इज नथिंग एज कम्पेयर टू जो इन्वेस्टमेंट मुझे करनी पड़ी, जो कैमरा गियर, माइक, लेंस, ट्राईपॉड्स, लैपटॉप और इक्विपमेंट जो मेरे को खरीदना पड़ा अपनी इस हॉबी को सपोर्ट करने के लिए। सो दिस इज माई हॉबी राइट नाउ। मैंने आपको पहले भी बताया कि YouTube is not my full-time job. I don't depend on this YouTube income to do anything. YouTube की जो भी income होती है मैं पूरा YouTube के ऊपर ही spend कर देता हूँ. For example, I was looking to enhance my, जो editing experience है उसको बढ़िया करने के लिए I bought this large monitor. इस महीने की जो income थी I bought the new Mac Mini, Apple Mac Mini, to support backing up my data. I bought a bunch of hard disk. So जो भी अभी income हो रही है I put it right back into sort of as an investment into my YouTube business or hobby that you may want to call. Aage bhi jo aane wali jo income hogi, I'm going to invest right back into YouTube to improve the production quality of the vlogs that I create. But like the main objective is video ka ye tha, aapko ye dikhana कि क्या एक small YouTube channel जिसमें लगभग 50,000 subscribers हैं, क्या वो earn कर सकते हैं, कितना अर्न कर सकते हैं। अगेन इट डिपेंड्स कि आपकी वीडियोस कहाँ देखी जाती हैं, आपके व्यूज कितने आते हैं। सब्सक्राइबर डजंट मैटर, लाइक्स एंड डिसलाइक्स डोंट मैटर एट ऑल, बट यू हैव टू हिट द लाइक बटन। आई विल टेल यू व्हाई, बिकॉज जब आप लाइक बटन करते हो, डिपेंडिंग ऑन मेरी वीडियो को कितने लाइक मिले हैं, यूट्यूब विल गेट अ सेंस ऑफ हाउ गुड दिस वीडियो इज। इफ माई वीडियो इज नॉट गेटिंग एनी लाइक्स, यूट्यूब डजंट केयर टू रिकमेंड माई वीडियो टू अदर्स। YouTube will only recommend my video to others when people are liking this video. But jab woh ek set level se upar chala jata hai, then YouTube starts promoting your video. So that's why as a creator we always ask ki aapke liye bhi free hai, hamare ko bhi jeb mein likes aur dislike ka koi paisa nahi milega. Usse hoga kya?
कि आपके फेवरेट क्रिएटर की वीडियो विल गेट रिकमेंडेड टू अ वाइडर ऑडियंस एंड दे विल गेट सॉर्ट ऑफ अ फ्री प्रमोशन. सो दैट्स व्हाई हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब इफ यू आर न्यू टू माय चैनल. इस वीडियो में इतना ही. होपफुली ये इन्फॉर्मेशन आपके शायद कुछ काम आई होगी. मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में. तब तक के लिए ठीक था गुड्डू.